रन उत्सव, जिसको टेंट सिटी भी कहते हैं, ऑर्गेनाइज बाय गुजरात टूरिज्म, हर साल नवंबर से लेके फरवरी तक 3 महीना ये फेस्टिवल गुजरात के कच्छ में धूम मचाता है और पूरे वर्ल्ड से काफी टूरिस्ट ये फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए स्पेशली गुजरात आते हैं। प्राउड मोमेंट फॉर गुजरात, राइट? एंड आई एम सो लकी टू बी हियर। और ये है मेरा टेंट, रजवाड़ी टेंट, वन ऑफ द बेस्ट टेंट इन टेंट सिटी। वाओ, सो स्पेशियस, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। और स्पेशली मुझे ना व्हाइट कलर बहुत पसंद है, और यहाँ की ये व्हाइट कर्टेन्स, व्हाइट बेड एंड व्हाइट टेंट, जस्ट वाओ। ये जो टेंट है उसका चार्ज है पर डे 25,000 रुपीज पर पर्सन। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट बिलीव मी, आप जब यहाँ पर आओगे और रहोगे उसका फील ही अलग होगा। लॉन्ग ट्रैवल के बाद जब मैं रेस्ट कर रही थी और कुछ रिसर्च कर रही थी, तो मैंने जाना कि टेंट सिटी में करने के लिए काफी कुछ है, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, और यहाँ का गुजराती खाना, वाओ। सी, ये है डाइनिंग एरिया, ह्यूज, कितने सारे लोग एक साथ बैठ के म्यूजिक के साथ ये डिलीशियस फूड एंजॉय कर रहे हैं। आपने कभी गुजराती खाना खाया है? अगर नहीं खाया है तो जल्दी से टेंट सिटी में जाइए और जरूर ट्राई करना। ये सुहानी शाम, वाव, ये ऑरेंज स्काई और ये पूरा टेंट सिटी विथ लॉट्स ऑफ लाइट्स, मैं ये शाम कभी नहीं भूल सकती ना। टेंट सिटी में एक चौराहा है जहां पर सारी चीजें हैंडीक्राफ्ट से सजाई गई है, ब्यूटीफुल। वहां पर जाके आपको फील होगा कि ये पूरा गुजराती कल्चर है। और ये मेरे पीछे दो स्टैच्यूज, वाव। सुबह से ना यहाँ पर मैं देख रही थी कि कुछ ऑटोस चल रहे थे, मैंने सोचा एक ऑटो राइड तो बनता है, और यहाँ पर है मेरा ऑटो एंड हियर आई गो। यहाँ के लोग काफी प्यारे हैं, कोई भी चीजों के लिए मना नहीं करते। मैंने कभी लाइफ में इस तरह से ऑटो नहीं चलाया, बट बहुत इंजॉय किया सच में। और ये है क्राफ्ट बाजार इन टेंट सिटी। टेंट सिटी के आसपास कुछ स्मॉल विलेजेस हैं जहाँ के लोग अपने हाथों से ये प्यारी सी चीज़ें बनाते हैं और टेंट सिटी में बेचते हैं, और उस तरह से वो लोग कमाते भी हैं। ये सारी कलरफुल चीज़ें, सो ब्यूटीफुल। स्पेशली मुझे ये जैकेट्स एंड उसके कपड़े बहुत पसंद आए, वेरी क्रिएटिव। सो अगर आप आते हो टेंट सिटी में तो ये जगह ज़रूर विजिट करना। ओ वाओ, सी दिस गेट, ये है मेन एंट्रेंस ऑफ टेंट सिटी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पैलेस का गेट, और मुझे फील हो रहा है जैसे मैं कोई क्वीन। और अब मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ एक स्पेशल जगह पर जो है टेंट सिटी से काफी नजदीक, कैमल सफारी एंड सनसेट, वाओ, जहां पर सारे लोग कैमल राइड कर रहे हैं और मैं ये सनसेट एंजॉय कर रही हूँ, ब्यूटीफुल मोमेंट। और आखिर में मैंने भी कैमल राइड कर ही ली, क्योंकि आज तक कभी लाइफ में नहीं की थी, तो सोचा एक बार एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। और पता है मैंने क्या देखा? वहां पर सारे लोग खड़े होके सिर्फ मुझे देख रहे थे, शायद मैं इंडियन ड्रेस में, इंडियन लुक में थी,
शायद मैं कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही थी। ये सनसेट की लाइट, विंडी वेदर, और मुझे लगा कुछ प्यारी सी तस्वीरें खींच लूं। और मैंने जब खुद के क्लिक किए पिक्चर्स देखे, वाओ, सो प्रीटी, सी, आई वाज सो हैप्पी टू बी हियर। बहुत सुंदर जगह है ये, जगह का एक अलग ही मज़ा है। मैं आपको बोलूँगी कि एक बार कच्छ में टेंट सिटी में ज़रूर आना और ये सनसेट बिल्कुल मिस मत करना। सो एंजॉय किया आज का एपिसोड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।